ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। प्रदेश के 6 जिलों में हुए जिला प्रमुख और पंचायत समिति प्रधान के चुनाव के परिणाम सामने आ चुके हैं, जिसके अनुसार 6 जिलों में से 3 में कांग्रेस जिला प्रमुख बनाने में कामयाब रही, जबकि बाकी 3 पर बीजेपी ने अपना कब्जा कर लिया है। वहीं 78 पंचायत समिति में से 9 में कांग्रेस प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। इसके साथ ही कांग्रेस 50 पंचायत समितियों में प्रधान बनाने में कामयाब रही है। परिणामों के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सभी विजयी प्रत्याशियों और कार्यकर्ताओं को बधाई दी और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस की बागी उम्मीदवार की बीजेपी में शामिल होकर जयपुर जिला प्रमुख बनने पर सीएम गहलोत ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि जयपुर जिला प्रमुख चुनाव में भाजपा ने हॉर्स ट्रेडिंग का सहारा लिया। हॉर्स ट्रेडिंग में वही लोग शामिल हैं जिन्होंने पहले भी राजस्थान में सरकार गिराने का प्रयास किया था। सीएम गहलोत के इस बयान को पायलट गुट से जोड़कर देखा जा रहा है। बीजेपी और अपने विरोधियों को आड़े हाथ लेते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि प्रदेश की 6 में से 4 जिला परिषदों में कांग्रेस को बहुमत मिला। कांग्रेस ने 3 जगहों पर अपने जिला प्रमुख बनाए हैं। कल तक सरकार पर सत्ता का दुरुपयोग का आरोप लगा रही भाजपा ने जयपुर जिला परिषद में हॉर्स ट्रेडिंग का सहारा लेकर अपना जिला प्रमुख बनाया है। यदि कांग्रेस सरकार पूर्ववर्ती भाजपा सरकार की भांति सत्ता का दुरुपयोग करती तो ऐसा संभव ही नहीं होता। इस हॉर्स ट्रेडिंग में वही लोग शामिल हैं जो पहले भी राजस्थान में सरकार गिराने का कुप्रयास कर चुके हैं। आपको बता दें कि सीएम अशोक गहलोत के इस हॉर्स ट्रेडिंग वाले बयान के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। पिछले साल सचिन पायलट की बगावत के समय सीएम गहलोत ने बीजेपी नेताओं पर पायलट गुट के विधायकों के साथ मिलकर हॉर्स ट्रेडिंग के जरिए सरकार गिराने की कोशिशों के गंभीर आरोप लगाए थे। जयपुर जिला प्रमुख बनी रमा देवी को पायलट गुट के विधायक वेद प्रकाश सोलंकी का समर्थक बताया जा रहा है। सूत्रों की माने तो सोलंकी ने रमा देवी को जिला प्रमुख प्रत्याशी बनाए जाने की सिफारिश भी की थी। वही रमा देवी नामांकन प्रक्रिया से ठीक पहले बीजेपी में शामिल हो गई और जिला प्रमुख बन गई। ऐसे में सियासी चर्चा इस बात की है कि सीएम गहलोत ने बीजेपी के साथ साथ पायलट गुट के वेद प्रकाश सोलंकी पर भी निशाना साधा है। अगर ऐसा है तो जादूगर से बाजीगर बने सीएम गहलोत एक छोटी बाजी हार कर बड़ी जीत जीतना चाह रहे हैं। अपने सोशल मीडिया पेज पर शेयर करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लिखा कि पिछले एक साल से भाजपा के केंद्रीय मंत्री एवं स्थानीय नेता लगातार मेरे खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे। भाजपा के मुख्यमंत्री पद के 6 दावेदारों ने बिना तर्कों एवं तथ्यों के मेरे एवं प्रदेश सरकार के खिलाफ बयानबाजी की। मैंने कभी इनका जवाब नहीं दिया, लेकिन राजस्थान के 6 जिलों में हुए पंचायती राज चुनाव में जनता ने मुंह तोड़ जवाब देकर इनका मुंह बंद कर दिया है। सीएम गहलोत ने आगे कहा कि भाजपा के नेता जन कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने की बजाय अनर्गल बयानबाजी करते हैं। भाजपा के नेता समझ नहीं रहे हैं कि उनके नकारात्मक राजनीति को जनता ने खारिज कर दिया है एवं प्रदेश सरकार की कोविड प्रबंधन, जन कल्याणकारी योजनाओं एवं सुशासन का स्वागत किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आगे कहा है कि जनता ने कांग्रेस को आशीर्वाद देकर बड़ा जनादेश दिया है और गांवों की सरकार से बीजेपी का सफाया कर दिया है। इन चुनाव परिणामों में किसानों और ग्रामीण जनता का भाजपा के प्रति गुस्सा स्पष्ट तौर पर दिखाई दिया है। इन चुनावों में भाजपा के केंद्रीय मंत्रियों तक ने प्रचार किया, लेकिन जनता उनके झूठ और दुष्प्रचार में नहीं आई। सीएम गहलोत ने आगे कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा दिए जा रहे सुशासन पर जनता ने मोहर लगाई है और 2023 में पुनः कांग्रेस की सरकार बनाने का रास्ता भी जनता ने तय कर दिया है। बीजेपी पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार को 32 महीने हो गए हैं, लेकिन यहाँ कोई सत्ता विरोधी लहर नहीं है। यहाँ हुए हर चुनाव में जनता ने कांग्रेस का साथ दिया है। विधानसभा उपचुनाव, नगरीय निकायों एवं पंचायती राज चुनाव में जनता ने कांग्रेस को भरपूर आशीर्वाद दिया है एवं भाजपा को स्पष्ट संदेश दिया है कि वो राजस्थान में सरकार में आने के सपने देखना छोड़ दे। सीएम गहलोत ने आगे कहा कि राजस्थान की जनता ने प्रदेश सरकार की सभी जनहितकारी योजनाओं को अपना समर्थन दिया है एवं भाजपा को अहंकार के कारण मुंह की खानी पड़ी है। देश एवं प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है कि अब आने वाले हर चुनाव में भाजपा को सबक सिखाएगी। सीएम गहलोत ने आगे बताया कि 4 सितंबर को आए नतीजों में 1564 वार्ड में से 670 वार्ड 42.77% में कांग्रेस, 551 वोट्स 35.17% में भाजपा एवं 371 वोट में निर्दलियों ने जीत दर्ज की है। अधिकांश निर्दलीय भी कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार ही हैं। 78 पंचायत समितियों में से 50 पंचायत समितियों में कांग्रेस के प्रधान बने हैं। भाजपा कांग्रेस के आधे 25 प्रधान ही बना सकी, इनमें से भी 10 प्रधान महज 1 वोट के अंतर से ही जीते हैं। इसी प्रकार
जिला परिषद की 200 वार्ड्स में भी कांग्रेस 99 वार्ड्स, भाजपा 90 वार्ड्स और 11 वार्ड्स अन्य ने जीते हैं। कोरोना और उसके बाद पोस्ट कोविड समस्याओं के कारण लंबे समय से अपने गृह क्षेत्र जोधपुर नहीं जा पा रहे। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि जोधपुर की जनता का विशेष आभार, पोस्ट कोविड समस्याओं के कारण लंबे समय से जोधपुर नहीं आ पाया, परंतु जोधपुर की जनता ने अपना पूरा समर्थन कांग्रेस पार्टी को दिया है, जिसके कारण जोधपुर में कांग्रेस के जिला प्रमुख एवं 12 पंचायत समितियों में प्रधान बने हैं। सभी विजयी प्रत्याशियों एवं कार्यकर्ताओं को मेरी बधाई। पॉलिटॉक्स ब्यूरो जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।